नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। सेवक काली मंदिर के पास बागपुल में भयानक वाहन दुर्घटना घटित हुई है। एक संचार स्रोत से पता चला है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी एक व्यक्ति काली मंदिर में पूजा करने गए थे। गाड़ी के ऊपर एक चट्टान गिरने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर लिखे जाने तक संपूर्ण विवरण सामने नहीं आया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिल्ली में भाजपा नेताओं की कथित टिप्पणी को लेकर हावड़ा में हो रहे मुस्लिम समुदाय के उग्र प्रदर्शन और भाजपा दफ्तरों में आगजनी वाले स्थल पर जा रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी भाजपा नेताओं ने जलपाईगुड़ी में धरना प्रदर्शन दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भाजपा समर्थकों ने जलपाईगुड़ी शहर में एक रैली निकाली। इसके साथ ही उग्र भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ कोतवाली थाने के सामने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिलीगुड़ी महकमा परिषद चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं को निजात दिलाने की मांग की है। माटीगरा ब्लॉक के 18 खाई के बालासन कॉलोनी में जल निकासी व्यवस्था ठीक नहीं होने से पेयजल आपूर्ति ठीक नहीं होने के साथ इलाकों के कई मार्गों की हालत बदहाल होने की बात कही जा रही है, जहां उन्हें चुनाव के समय विभिन्न पार्टियों की द्वारा ही आश्वासन मिलता है और इलाके में विकास नहीं हुआ है। सिक्किम में द्वितीय राज्यपाल कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह टूर्नामेंट का आयोजन राजभवन सेक्रेटरिएट और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजभवन के बैडमिंटन हॉल में किया। इन 6 जिलों के 228 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। यहां 14 जून को पालजोर स्टेडियम में इन टूर्नामेंटों का समापन होगा। भारी बारिश और लगातार कटाव से अलीपुरद्वार जिले के राजा भातखावा चाय बगान का कोठी लाइन क्षेत्र फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। रविवार की सुबह हुई भारी बारिश से कोठी लाइन क्षेत्र की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और इस बीच दहशत के कारण स्थानीय लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जलपाईगुड़ी के सागर दीघी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले उस अज्ञात व्यक्ति के शव को सागर दीघी में पेड़ पर देखा। शव को देख स्थानीय लोग ने कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह व्यक्ति इलाके का निवासी नहीं है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए जांच शुरू कर दी है। राज्य में हाल ही में उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा में उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने अपने नाम राज्य के मेरिट लिस्ट में शामिल किया है और उन्होंने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास किया है। इस क्रम में छात्रों को इस उपलब्धि के लिए रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में बाढ़ राहत राशि में भ्रष्टाचार कांड के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने हाईकोर्ट में किया केस। तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से एक सरकारी कर्मचारी के खाते में 69 लाख रुपए जमा करने का आरोप। वीडियो एवं गृह कर्मचारियों पर भी हाईकोर्ट में चल रहा मुकदमा। यूरेका क्लब और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जलपाईगुड़ी में 100 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के उद्देश्य से लेकर अभियान चलाया गया। हर साल की तरह जलपाईगुड़ी की यूरेका क्लब और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्रेटर लायंस क्लब के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य आकर्षण ग्रेटर लायंस क्लब का भ्रमण करने वाला नेत्र अस्पताल है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं होंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। पहले से तय है कार्यक्रम। कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा बोले, बिना पूर्व परामर्श के ऐसी बैठक बुलाना उचित नहीं।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई हैं। इसी क्रम में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 22 विरोधी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा है। उन्हें आगे की रणनीति तैयार करने के लिए 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। सूत्र के इनमें गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से भारी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 8582 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 4 मरीजों की मौत हुई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब एक दिन में 8000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 44553 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन के दौरान 4435 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उधर मुंबई के आंकड़े डरा रहे हैं, यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK 3.5 BHK फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। आर यु ड्रीमिङ टु वेक अप अन्डर द कामिङ टर्किस स्काइज? मेक इट अ रियालिटी एन्ड ब्रिङ होम द टर्किस कलेक्शन फ्रम रोयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इन्टरनेसनल फर्निचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आर यू ड्रीमिंग टू बिगिन योर इटालियन एडवेंचर? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द इटालियन कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2,000 rupees फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग। वी हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।